हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं घर पहुंचने के बाद क्या क्या किया आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूं। तो दूसरे दिन सुबह हो गया है तो हम लोग सब लोग साथ मिलके चाय पियेंगे। मम्मी ने चाय बना ली और सब कोई आंगन में बैठ गए हैं। मेरे भतीजी, भांजी, भाभी, मैं और मम्मी सब लोग मिल बैठ गए हैं और मम्मी चाय डाल रही हैं। चाय डाल के सब लोग बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद मम्मी जो है सब्जी बनाएंगे। सब यहाँ नाश्ते में लाई खाया जाता है तो पीला मटर और आलू मम्मी ने उबाल लिए, इसी का सब्जी बना रही हैं। तो सब्जी मसाला में मसाला तैयार कर रही हैं। तेल डाल दिया, उसके ऊपर प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा गलाने के लिए नमक डाल के प्याज को भून रही है। देखिए प्याज भून गया है तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। मसाला भून रही है, देखिए अच्छे तरह से ये मसाला भून गया है। थोड़ा सा पानी डाल के जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल के मसाला को अच्छे तरह से भून रही है। देखिए मसाला अच्छे तरह से ये तैयार हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल दिया और जो मटर उबाल के रखी थी ये मसाला में डाल दिया और थोड़ी देर पका लिया। देखिए एक जो है घूगनी तैयार हो गई है। सब लोग हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ। भतीजा भतीजी सब कोई नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। तो सब्जी इस लाई के साथ खाया जाता है और मेरी बड़ी बड़ी भाभी ने थोड़ा सा पकौड़ा बनाया था, खीरा, ये सब से नाश्ता कर लिया। उसके बाद मेरे भाभी जो है मछली काट रही हैं। ये मछली जो है तालाब जीजा जी ने ले आए, जीजा उनके तालाब की मछली है, एकदम ताज़ा मछली है। वेस्ट बंगाल में, जैसे बंगाल में मछली के बिना खाना अधूरा होता है। दोपहर में, रात में, जैसे खाना में मछली चाहिए ही चाहिए। तो मछली देखिए कितना बड़ा मछली है, करीबन 1 किलो वजन मछली है। और घर के तालाब का मछली है तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो भाभी जो है काट रही हैं, इसको काटने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। काट लिया, अच्छे तरह से इसको धो के धो लिया। उसके बाद मम्मी फ्राई कर रही है। इसको फ्राई करने के बाद सब्जी बनाएंगी। तो मसाला वाला सब्जी मेरे बेटी पसंद नहीं करती है तो इमली डाल के मम्मी ने थोड़ा सा ये जो मछली है इमली डाल के बनाया था और साथ में दो सब्जी, साग, दाल सब कुछ बनाया था। तो हम लोग खा लिया। खाने के बाद हम लोग, शाम के 4:30 बज रहा था तो हम लोग घूमने निकल गए। जटाधारी नाम का एक मंदिर है, वहाँ हम लोग घूमने जा रही हूँ। बहुत दिन बाद जा रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा बना है। पहले पुराना उतना अच्छा नहीं बना था, मैंने देखा भी नहीं था। तो भाभी ने बोला चलो देख के घूम के आते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हों। देखिए कितना सच सही में बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ लोग शाम के टाइम सब कोई घूमने आते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के टाइम देवी दुर्गा जी का 9 दिन पूजा होता है और रामनवमी के दिन यहाँ भंडारा होता है। तो अभी यहाँ राधा कृष्ण जी का मूर्ति रखा हुआ है, रामकृष्ण शारदा मुनि का भी मूर्ति बना हुआ है। तो हम लोग घूम घाम के इधर देख रहे थे। देखिए ये मूर्ति है राधा कृष्ण जी का। इसमें इस मंदिर में रथ यात्रा भी होता है। तो सब हम लोग इधर घूम लिया। घूमने के बाद बहुत जगह है तो घूमने के लिए, और नया बना हुआ है तो मैंने देखा भी नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत काफ़ी बड़ा जगह भी है। मेरे भतीजी भांजी दोनों बहुत खुश हो रहे थे, घूम रहे थे। तो इस साइड में शिव जी का भी मंदिर है, वहाँ सब कोई शिव जी के साथ फ़ोटो खींचा रहे थे। तो हम लोग भी सोचे थोड़ा सा हम लोग भी फ़ोटो खींचा ले, तो हम लोग भी इधर की तरफ ही आ रही हूँ। देखिए कितना अच्छा शिव जी का मंदिर है, मूर्ति बना हुआ है। तो इसमें हम लोग फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद साइड के तरफ हम लोग चले गए घूमने के लिए। साइड में बहुत जगह है घूमने के लिए। तो इसमें जो एक पेड़ है, हजारों साल पुराना पेड़ है, देखिए एक बड़ा सा नंदी जी का भी मूर्ति बना हुआ है। तो इस पेड़ के नीचे एक शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ भी हम लोग थोड़ी देर दर्शन किए, थोड़ी देर बैठ गए। उसके बाद भी फिर दूसरी तरफ भी देखना था और हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे ही थे तो जल्दी जल्दी भी करना था। देखिए कितना बड़ा, काफ़ी बड़ा पेड़ है। इस पेड़ को काटा नहीं जाता है, जब सूख के टूट के गिरता है तभी इसको फेंका जाता है, नहीं तो इसमें कभी काटा नहीं जाता है। तो देखिए इस तरफ पे फिर हम लोग भी सारे जो मूर्ति बना हुआ है सब लोग सब घूम घूम के देख रहे थे। बड़ा सा एक हनुमान जी की भी मूर्ति बना हुआ है। पहले ये मूर्ति जो खाली में था, खुला जगह में था, अब मंदिर बन रहा है नया।
राम अब नवरात्रि भी आ रहा है तो यहाँ मंदिर में साफ सफाई के काम भी चल रहा था। ये इनका मूर्ति जो बना हुआ है, इन्होंने ये जो पूरा ज़मीन जो है इन्होंने डोनेट किया है, तो इसलिए इनका मूर्ति जो बना हुआ है। इस साइड में एक शिव जी के मंदिर भी बना हुआ था, तो हम लोग भी वो भी दर्शन किए हैं। उसके बाद हम लोग पेड़ की परिक्रमा कर रहे हों। देखिए कितना बड़ा पेड़ है जो इसमें सपोर्ट दे के रखे हैं, लेकिन काटते नहीं है। इसका टहनी इतना बड़ा हो गया, लटक गया है, लेकिन काटते नहीं हैं, ज़मीन पे टच भी नहीं होते होने देते हैं। ये सपोर्ट दे के रखे, कितना बड़ा बड़ा खम्बा बना दिया। और इसमें तो हम लोग इस तरफ घूम रहे थे। यहाँ है एक नागनगिन का भी मंदिर बना हुआ है। एक साइड में गांव में एक जगह घर बन रहा था, तो एक उस चोट लग गया था नाग को, तो नाग मर गया था चोट लगने के बाद। तुरंत ही एक नागिन आई और नाग लेबट के वो मर गए, तो उस नाग नागिन को यहाँ दफना दिया गया और इसी में मूर्ति बना दिया गया था। तो वो मूर्ति भी बना हुआ है, वो भी दर्शन किए। फिर हम लोग देखिए कितना बड़ा, कितना काफ़ी जगह ले रखा है इस पेड़ ने। तो हम लोग को घूम के परिक्रमा कर रहे थे और देख रहे थे इस नवमी के दिन, रामनवमी के दिन यहाँ जो भंडारा होता है, यहाँ भंडारा में खिचड़ी बनता है। देखिए ये जो बना हुआ है इसमें खिचड़ी रखा जाता है, क्योंकि हजारों लोग इसमें भंडारा खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही बनता है। और ये सब तो घूमने देखने के बाद हम लोग फिर वापस आ रही हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।